द्वारा हम लोगों ने उपलब्ध कराई, उस राशि से तमाम सौंदर्यीकरण, तमाम आधुनिकीकरण के कार्य वहां पर शुरू हुए बहुत जल्द। मुझे लगता है अगले साल इसी वक्त और 6-7 महीने के बाद आपको हमारा रेलवे स्टेशन, जमुई का रेलवे स्टेशन पूरे नए स्वरूप में तमाम सुख सुविधाओं से जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही झाझा का रेलवे स्टेशन, झाझा के रेलवे स्टेशन में निरंतर एक लंबे समय से फुट ओवर ब्रिज को लेकर मांग रही, निरंतर तमाम हमारे साथी आए, उन्होंने उस फुट ओवर ब्रिज को लेकर चिंता उन्होंने कभी भी कोई अप्रिय घटना वहां पर घट सकती है, उसके लिए भी हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि रेलवे के द्वारा हम लोगों ने उपलब्ध कराई। बहुत जल्दी मैं खुद यहाँ पर डीआरएम साहब के साथ आऊंगा, संभवतः अगले महीने, और उस पर भी हम लोग कार्य हम लोग शुरू कर देंगे। एक नया फुट ओवर ब्रिज वहां पर बनेगा और तमाम आसपास का जो सौंदर्यीकरण का कार्य वो भी वहां पर हम लोग पूरा करेंगे। वही हमारे युवा को चाहिए जहाँ पर हम लोग जाकर खेल कूद सके, अपनी प्रतिभा को हम लोग निखार सके, जहाँ पर हम लोग को सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि हम लोगों ने निरंतर देखा है कि जब जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को, सबसे बड़ा उदाहरण यही से हमारी श्रेष्ठी सिंह है जो कि स्वर्गीय आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को अपना प्यार से ज्यादा बना देते, उनकी सुपुत्री है। आज उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने न सिर्फ हमारे क्षेत्र का बल्कि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का सर ऊंचा करने का काम किया है। वही हमारे उसी तरीके के हमारे तमाम युवा खिलाड़ियों को खेल कूद की एक अच्छी व्यवस्था मिले, उसके लिए भी जल्द यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू होगा, उसके लिए भी राशि आवंटन की जाती है।